हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम तहे से स्वागत करता हूँ मैं आप सबका आपके अपने चैनल एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को स्किप ना करें, क्लास को पूरा जरूर देखें। आज अपन इस क्लास के अंदर जो है क्लास नाइन्थ के जो चैप्टर 1.1 की अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास के अंदर कौन सी प्रश्नावली पढ़ेंगे अपन? 1.1 पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की, ठीक है, याद रहे। क्लास नाइन्थ का जो 1.1 का पहला जो सवाल है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बटे वा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जहां पर पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले तो मैं बता दूं, यहां पर परिमेय संख्या का नाम आया, तो परिमेय संख्या की जो डेफिनेशन होती है माय डियर वो क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या जिसे पी बटे वा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है और जहां क्यू नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। वह संख्या जिसे पी बटे वा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं और क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले प्रश्न कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या आप इसे पी बटे वा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? इसे पी बटे वा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? तो मैं बताऊं आपको। क्या शून्य, शून्य का मतलब क्या है भाई? जीरो। ये लिखा मैंने जीरो। जीरो एक परिमेय संख्या है, तो जैसे ये जीरो है ना, इस जीरो के बटे में एक मान लू तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? जीरो के अंदर एक का भाग लगा हुआ तो वापस क्या आएगा? जीरो ही आएगा ना भाई। पर जीरो के बटे में एक मान सकते हैं अपन, मान सकते हैं। तो देखो, पी ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो गया? क्यू। ये तो हो गया पी और ये क्या हो गया? क्यू। जहां पर पी का मान तो हो गया जीरो और क्यू का मान क्या हो गया? एक। क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, तो देखो क्यू का मान जीरो नहीं है और इस जीरो को अपन ने पी बटे हुए क्यू के रूप में लिख दिया। और जिसे पी बटे हुए क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या है? परिमेय संख्या। आया समझ में सभी को? शून्य का नाम लिया, शून्य लिख दिया, बटे में कुछ नहीं था तो एक मान सकते हैं अपन, तो मान लिया। तो क्या हो गया? ऊपर वाले को पी बोल दिया और नीचे वाले को क्यू, यानी जिसे पी बटे वा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। यानी कि ये जो जीरो है वो परिमेय संख्या है। कंडीशन क्या थी? क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। पी का तो हो सकता है पर क्यू का नहीं होना चाहिए। तो यहां पर देखो, क्यू का मान जीरो नहीं है, क्यू का मान क्या है? एक है। तो ये यानी कि जीरो एक परिमेय संख्या है और हम इसे पी बटे वा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? तो इसका स्पष्टीकरण ये रहा, जीरो, जीरो के बटे हम कुछ नहीं, एक मान लिया तो पी बटे वा क्यू दे दिया। ऊपर वाला पी हो गया, नीचे वाला क्यू हो गया। नीचे वाले को पी नहीं मान सकते, ऊपर वाले को, क्योंकि पी बटे वा क्यू के रूप में, ठीक है, ऊपर पी और नीचे वाले को क्यू, क्यू का मान जीरो नहीं, तो यहां पर जीरो नहीं। कंप्लीट मामला यहां तक। चलिए, यह था अपना पहला सवाल। अब बात करते हैं अपन दूसरे सवाल के। दूसरा सवाल कहता है कि संख्या तीन और चार के बीच की कोई छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? छह परिमेय संख्या हमें निकालनी है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और क्लास को पूरा जरूर देखें, आपको आनंद आने वाला है। और हाँ, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जितने ज्यादा देखने वाले होंगे उतना पढ़ाने में भी आनंद आएगा और आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा, ठीक है। और कंटिन्यू क्लासेस देखें जरूर, क्लास नाइन्थ, टेंथ और इलेवेंथ और एट्थ, इन तीनों क्लासों, ये जो तीनों क्लासेस हैं इन सभी के सवाल आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। उदाहरण सहित अपन पढ़ेंगे, उदाहरण भी सारे कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरा सवाल देखना, तीन व चार के बीच की कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। छह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। माय डियर, आपको ध्यान रखना है कितनी परिमेय संख्या निकालनी है। छह परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। छह परिमेय संख्या निकालनी है तो एक और जोड़ दो उसमें, तो छह में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सात। जैसे अगर तीन परिमेय संख्या निकालनी है तो तीन में अगर हमें एक जोड़ेंगे कितना होगा? चार, ठीक है। एक जोड़ना पड़ेगा। आप कैसे लिखना मैं बता दूं आपको, ध्यान से समझना है ना। तीन और चार के बीच की, ये लिखा मैंने तीन और ये लिखा चार, इंटू और ये इंटू, ध्यान से समझना भाई। तीन को भी गुणा करवाएंगे और चार को भी गुणा करवाएंगे। किससे गुणा करवाएंगे? छह परिमेय संख्या निकालनी है तो छह में एक जोड़ो, छह के अंदर एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? सात।
तो ऊपर भी सात और नीचे भी सात, इधर भी ऊपर भी सात और नीचे भी सात, फिर लगाया बराबर, इधर भी बराबर, ऊपर वाली ऊपर से गुणा होगी तो 3 × 7 कितना हो जाएगा 21, और नीचे कितना है 7, इधर 4 × 7 = 28 और नीचे कितना है 7, नीचे वाली संख्या सेम है भाई और हमें 6 निकालनी है, तो देखो ऊपर वाले 21 और ऊपर वाले 28 और 21 के बीच 6 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो देखना ध्यान से एक बार, है ना। अतः 3 व 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या बराबर, दोनों के बीच की लिखनी है तो 21 के बाद क्या आएगा भाई 22/7 लिखना ही है, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और फिर क्या होगा 27/7 होगी, ठीक है भाई। एक बार इसको वापस समझना, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकालनी है तो 3 और 4 लिख दिया, 6 निकालनी है इसलिए इसमें 1 जोड़ा तो क्या हो गया 7, तो पहली संख्या को ऊपर से और नीचे दोनों जगह से क्या लिखना 7-7 से गुणा करवाना, और 4 जो है उसको भी 7-7 से गुणा करा, ऊपर वाली ऊपर से गुणा हो गई 3 × 7 = 21 और बटे में आ गया 7, ऊपर वाली ऊपर से गुणा हो गया 4 × 7 = 28 और बटे में आ गया 7, नीचे वाली संख्या सेम है तो ऊपर वाली 21 और 28 के बीच जितनी भी संख्या है 22, 23, 25, 27 वो सारी क्या हो जाएगी 6 परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर हाँ घबराना नहीं है, यहां पर अगर 6 की जगह बोल देता 3 परिमेय संख्या निकालनी, कितनी 3 परिमेय संख्या निकालनी होती तो हम क्या करते देखना, 3 × लिखा और 4 × संख्या तो लिख दी दोनों अपन ने, 3 परिमेय संख्या निकालनी है तो 3 में 3 के अंदर 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 4, तो ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो किसे गुणा करवा देते हम 4 से यहां पर गुणा करवा देते, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतने ही, 2 सवाल काफी है, फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ऐसे ही अपन बहुत ही आराम वाले तरीके से उदाहरण सहित अपने इस मैथमेटिक्स की बुक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और क्लास को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नई क्लास के अंदर, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम।